Hello everyone, hope you all are doing great and keeping yourself healthy. In this video, I'm going to tell you how I have earned 1 lakh rupees per month being as a student in MBA. आपने बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि MBA में लाइफ बहुत ज्यादा हेक्टिक होता है, हम कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए टाइम कैसे निकाले। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा स्किल सेट है एंड आप उसको एनहांस करना चाहते हो, उसके थ्रू कुछ करना चाहते हो, गाइस यही वो आखिरी के 2 साल है आपके पास जिसमें आप अपने स्किल्स को, अपने इंटरेस्ट एरिया को इम्प्रूव कर सकते हो। स्किल सेट अगर आपके पास आ जाए तो ये 1 लाख रुपीज पर मंथ भी कुछ नहीं है उसके सामने, आप इससे कहीं ज्यादा कहीं ज्यादा अर्न कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आप सबको वो सारे स्टेप्स बताऊंगी जो कि मैंने फॉलो किए हैं, जिसके थ्रू मैंने 1 लाख पर मंथ कमाया है बाय एनहांसिंग माय स्किल सेट्स। फॉर डू नॉट नो मी, माय नेम इज अंशिका सिंह एंड आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम नीटी मुंबई। इन कमिंग डेज आई एम गोइंग टू जॉइन अमेज़न एज अ प्रोग्राम मैनेजर। सो गाइस, विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर मूविंग अहेड टू द वीडियो, आई वुड लाइक टू गिव शाउट आउट टू द स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो, विच इज कॉलेज विद्या। सो दोज हु ऑल आर लुकिंग फॉर ऑनलाइन MBA और डिस्टेंस MBA, या फिर वो कंफ्यूज्ड है कि वो किस कॉलेज में जाए, उन लोगों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है कॉलेज विद्या। कॉलेज विद्या इज अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां पे 75 प्लस यूनिवर्सिटीज रजिस्टर्ड है, और वहां पे जाकर के आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज को अलग अलग पैरामीटर्स पे कंपेयर कर सकते हो। वेबसाइट को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको आना है कॉलेज विद्या। ये प्लेटफॉर्म आपका कुछ इस तरह का दिखेगा, और यहाँ पे लेट्स सपोज मुझे MBA कोर्स के लिए देखना है, तो मैं MBA पे क्लिक करूंगी। आपसे कुछ डिटेल्स पूछेंगे, आप वर्किंग हो या नहीं, आप कितने आवर्स डेडिकेट करना चाहते हो, आपका बजट कितना है, आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, आपको कौन सी मतलब आपके लिए सबसे ज़्यादा मैटर क्या करती है, ये सारी चीज़ें, आप फीस को अपनी EMIs में देना चाहते हो या नहीं, आपकी क्वालिफिकेशन लास्ट क्या है, इन सारी चीज़ों को पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए ये आपको कॉलेजेस सजेस्ट करते हैं। देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे आपके कॉलेजेस की लिस्ट इन्होंने दे दिया है, हम इसे कंपेयर करेंगे। सारे रिजल्ट्स बता रहे हैं। आर एडिशनल बेनिफिट्स व्हिच यू आर गोइंग टू गेट आर, फर्स्ट यू आर गोइंग टू गेट अ डेडिकेटेड काउंसलर टू यू। सेकंड थिंग, आप फ्रॉड से भी बचोगे। आजकल बहुत सारे फेक वेबसाइट्स बन चुके हैं, आपको कॉलेज विद्या के वेबसाइट पे कोई भी फी पे नहीं करना। आप जो भी फी पे करोगे, आप ऑथेंटिक वेबसाइट पे जाकर के उस कॉलेज को ही फी पे करो। नाउ द थर्ड थिंग, यू विल गेट अ पीयर लर्निंग, आपको एक कम्युनिटी दी जाएगी जहाँ पे आपके पीयर्स क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, यू विल गेट एन अपडेट अबाउट दैट। फोर्थ बेनिफिट इज यू विल गेट टू पे योर फी इन एन EMI। इस मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दिया है, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन जस्ट क्लिक द लिंक एंड गो टू देयर वेबसाइट एंड सी ऑल द फीचर्स दे आर प्रोवाइडिंग यू। स्टेप वन, यू नीड टू लर्न द स्किल। सबसे पहले आपको करना ये है कि यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज रीसेंट गोइंग ऑन इन मार्केट, सबसे ज्यादा डिमांड मार्केट में किस स्किल सेट का है, और दूसरी चीज क्या आपको उस स्किल सेट में इंटरेस्ट है। अंडरस्टैंड इट बाय माय एग्जांपल, आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर कैट एग्जाम, आई आल्सो डिड फ्यू कोर्सेज ऑन डिजिटल मार्केटिंग और रिसर्च किया, उसके थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में भी मैंने रिसर्च किया। ट्रस्ट मी गाइस, मैंने कहीं से कोई कोर्स नहीं किया है इसका, मैंने जो भी सीखा है यूट्यूब से ही सीखा है। आई हैव आल्सो डिड अ डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन थ्रू गूगल विच इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, और ये सर्टिफिकेशन भी मैंने सिर्फ इसलिए किया था फ्यूचर में कभी रेज्यूमे डालू तो उसमें मैं मेंशन कर सकूं कि यस आई डिड अ सर्टिफिकेशन ऑन डिजिटल मार्केटिंग। सबसे पहले मैंने अपनी स्किल सेट ग्रो करी, मैंने उसका प्रैक्टिकल एक्सपोजर लिया। कैट एग्जाम जो है वो नवंबर में कंप्लीट हो जाता है, फिर जब तक आप कॉलेज जाते हो यू हैव 4 to 5 months इन योर हैंड। सो उसमें मैंने क्या किया, मैंने एक इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था, यानी भी मेरे थ्योरेटिकल नॉलेज थे डिजिटल मार्केटिंग का वो सब प्रैक्टिकली अप्लाई किया। इंटर्नशिप में भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, मेरे पास ओवरऑल 3 month का एक्सपीरियंस था एज अ इंटर्न इन डिजिटल मार्केटिंग। हाँ, स्टेप टू, बिल्ड योर प्रोफाइल ऑन योर स्किल सेट्स। मैं कॉलेज में गई, कॉलेज में जाने के बाद बहुत ही हेक्टिक था सब कुछ, क्योंकि प्राइमरी फोकस मेरा सिर्फ और सिर्फ समर इंटर्नशिप के प्लेसमेंट थे। बट उसके साथ साथ मैंने एक चीज कंटिन्यू रखा, वो था ग्रोइंग माय लिंक्डइन प्रोफाइल। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज वेरी एक्टिव ऑन लिंक्डइन, 2 days or 3 days आई यूज्ड टू राइट ऑन लिंक्डइन, और मुझे काफी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले जब मैं लिंक्डइन पे थी। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू हाउ दिस लिंक्डइन थिंग वर्क्स एंड मेरे लिए सबसे ज्यादा काम कैसे किया। कि जब मैंने लिंक्डइन पे पोस्ट लिखना स्टार्ट किया,
थ्रू सेल्फ मोटिवेशन और माई लाइफ एक्सपीरियंसेस और माई लर्निंग. तो होता ये था कि अगर मैं कोई पोस्ट लिखती हूँ तो उसका इम्प्रेशन यू नो थाउजेंड्स में लैक्स में होता था. एंड पीपल यूज टू विजिट ऑन माई प्रोफाइल, दे आर विजिटिंग माई प्रोफाइल, दे आर सीइंग व्हाट आई हैव डन. उनको वहां पे दिखता था कि ओके आई डिड अ डिजिटल मार्केटिंग इंटर्नशिप एंड मैंने डिजिटल मार्केटिंग में कोर्स भी किया है, कंटेंट राइटिंग में कोर्स किया है. सो वहां के थ्रू मुझे बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग के ऑफर आने लगे. किसी ने अपना कोई स्टार्टअप खोला है एंड दे वॉन्ट टू डू देयर बिजनेस ऑनलाइन टू, सारा कुछ डिजिटल सेटअप करना है. सो दे स्टार्टेड अप्रोचिंग मी. मुझे खुद से किसी को यू नो अप्रोच नहीं करना पड़ा, मैं उसको एज अ पार्ट टाइम उसको करने लगी. इनिशियली इट वॉज वेरी टफ क्योंकि पहले मैं एज अ इंटर्न काम की थी, अब मुझे सारा कुछ सिंगल हैंडेडली काम करना था. रिस्क, मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्ट था उस चीज में. आफ्टर लर्निंग योर स्किल, आपको लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल बिल्ड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि रिक्रूटर को पता चले कि व्हाट यू एक्चुअली आर, व्हाट योर स्किल सेट्स आर, ताकि फिर वो आपको अप्रोच करे अपना बिजनेस प्रपोजल लेकर के. नाउ द थर्ड स्टेप इज लाइव प्रोजेक्ट. When you will be in your MBA college, then there will be a dedicated committee who are going to call companies for you. You just have to sit in the company and give your best, give your interview. So during winter break, which was around 1 month, I did 2 live projects. वहाँ पे मेरे digital marketing के skill sets ही काम आए. सबसे अच्छी चीज ये हुई कि वो part time job और live project कह लो वो सिर्फ और सिर्फ 1 month का था. मुझे काफी एक्सपीरियंस भी हो गया था इस फील्ड में, मैंने उनको काफी अच्छे रिजल्ट्स भी दिए थे और वो बहुत ज्यादा इंप्रेस थे मेरे काम से, इसलिए उन्होंने इस चीज को एक्सटेंड कर दिया. तो फिर वो जो प्राइस दे रहे थे फिर मैंने नेगोशिएट किया और फिर अपना जो पे है वो बढ़ाया था. I was earning really good at that point of time. मैं इसको सिर्फ और सिर्फ पार्ट टाइम में करती थी. ऐसा नहीं है कि मेरा सुबह से शाम तक इसमें ज्यादा था, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 3 to 4 hours जाते थे, I would say. The fourth thing, I made my portfolio. What actually is portfolio? Portfolio is a set of work which you have done till the day. तक मैंने पोर्टफोलियो बनाया तब तक ऑलरेडी मैंने 6 to 7 क्लाइंट्स के साथ काम कर लिया था. मैंने उनको क्या रिजल्ट्स ला करके दिए हैं, कितना यू नो रेवेन्यू ला करके दिया है, इन सब का मैंने एक पोर्टफोलियो बनाया. इट इज सिमिलर टू अ बिजनेस प्रपोजल. और अगर मुझसे फ्यूचर में उसके बाद भी यू नो लिंक्डइन पे बहुत सारे लोग मुझे अप्रोच करते थे फॉर देयर डिजिटल सेटअप, तो फिर मैं अपना प्रपोजल उनको सेंड करने लगी. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई न्यू माय वर्थ और मुझे कितना चार्ज करना है उनसे मुझे ये भी पता चल गया. सो उस पॉइंट पे मुझे बहुत ही अच्छा यू नो रिस्पॉन्स आ रहा था. एंड तभी मैं YouTube पे उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं थी. अगर आप मेरी वीडियोस देखोगे तो मतलब जिस टाइम पे मैं ये सारा काम करती हूँ उस टाइम पे ऑलमोस्ट मैं गायब थी YouTube से, बिकॉज आई वॉज एक्सप्लोरिंग दिस फील्ड. सो गाइज, नाउ द फिफ्थ स्टेप इज, सपोज आपको LinkedIn पे ऑफर नहीं आ रहे हैं एंड पीपल आर नॉट अप्रोचिंग यू, तो आप क्या कर सकते हो, इन LinkedIn बहुत सारे यू नो पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज होते हैं, इंटर्नशिप्स के अपॉर्चुनिटीज होते हैं. अपने स्किल सेट जो भी आपने डेवलप की है उससे रिलेवेंट जो भी यू नो जॉब पोस्टिंग है आप उस पर अप्लाई करना शुरू कर दो. और अगर आपका लिंक्डइन पे प्रोफाइल काफी ज्यादा अच्छा होगा तो आप रिक्रूटर को बहुत ही ईजिली नोटिस हो जाओगे. द सेकेंड प्लेटफॉर्म इज इंटर्नशाला. आपकी जो भी इंटरेस्ट है उसके हिसाब से देखो क्या क्या पोस्टिंग आई है. पहला इंटर्नशिप मुझे मिला था डिजिटल मार्केटिंग के लिए, वो मुझे इंटर्नशाला के थ्रू ही मिला था. मैंने बहुत सारे यू नो कंपनीज में अप्लाई किए थे और फिर मेरा इंटरव्यू हुआ था एंड देन आई गॉट सेलेक्टेड इन वन ऑफ दोज कंपनीज. सो ये दो प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अप्लाई कर सकते हो, वन इज लिंक्डइन एंड सेकंड वन इज इंटर्नशाला. गाइज, ये थे वो 5 स्टेप्स जो कि मैंने फॉलो किए थे. इन स्टेप्स को फॉलो करके मैंने यू नो काफी अर्न किया है. ये तो वीडियो में मैंने सिर्फ आपको 1 महीने की अर्निंग बताई है. अगर मैं ओवरऑल काउंट करूं कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग जो स्किल सेट है उसको डेवलप करके मैंने कितना अर्न किया है, वो काफी ज्यादा होगा, उसको मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहती हूँ. इन अर्निंग्स में यूट्यूब की अर्निंग इंक्लूडेड नहीं है. सी गाइस, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैंने यूट्यूब से जो अर्न करना शुरू किया है जनवरी 2023 से ही किया है. 1.5 ईयर तक आई हैव नॉट अर्न अ सिंगल पेनी फ्रॉम यूट्यूब. मैं बस कंसिस्टेंट रही और कंसिस्टेंट भी नहीं रही, बीच में मैं 6-7 महीने के लिए बिल्कुल ही गायब थी यूट्यूब से. ये जो पैसे हैं इसमें यूट्यूब की अर्निंग इंक्लूडेड नहीं है, वो अलग है. आप बोलोगे कि आपने डिजिटल मार्केटिंग वाला इंटरेस्ट क्यों छोड़ दिया और आप ये काम क्यों कर रहे हो, तो गाइज मैंने डिजिटल मार्केटिंग में अपना एक्सपीरियंस ले लिया है ऑलरेडी और मैं उसको चाहूँ तो कभी भी इन फ्यूचर स्टार्ट कर सकती हूँ. बट अभी के टाइम पे राइट नाउ मेरा जो पूरा फोकस है वो है अपनी चैनल को ग्रो करने में और अपकमिंग जो मेरा अमेजोन में जॉब आने
आने वाला है उसके तरफ ध्यान देने में। आई थिंक ये दो काम ही इतना ज्यादा हेक्टिक है कि मैं कुछ और अभी फिलहाल नहीं कर सकती हूँ, लेकिन डेफिनेटली इस स्किल सेट को आगे ग्रो करूंगी। गाइस इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट डिजिटल मार्केटिंग देन आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपके क्या क्वेरीज है रिगार्डिंग डिजिटल मार्केटिंग, आपके जो भी डाउट्स है डिजिटल मार्केटिंग को लेकर के आप नीचे कॉमेंट में मुझे जरूर बताओ, मैं उन सबको आंसर करूंगी क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा है तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आप सबको आंसर करने की कोशिश करूंगी। सो गाइस दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, इफ यू हैव लाइक द वीडियो देन प्लीज press the bell icon below and like the video. Till then take care, bye bye and keep rocking it.